हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 13 अक्टूबर 2023, एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक नए सेशन के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूटा रेगिस्तान में उतरा नासा कैप्सूल पृथ्वी पर क्या लेकर आया है? तो ये लाया है लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सैंपल। ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीय गाँवों ने प्रतिष्ठित खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो ये है 75%। युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ शुरू होने वाला है? तो ये है अलास्का। ठीक है, कौन सी टीम वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली इतिहास की पहली टीम बन गई है? तो यह है इंडिया। भारत परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 26 को मनाया जाता है। केजी जॉर्ज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? तो ये एक फिल्म मेकर थे। भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है यूएस में। ठीक है, 2023 में कौन सा राज्य भारत का 54वां टाइगर रिजर्व का घर होगा? तो ये है मध्य प्रदेश। 2023 में डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये है गोवा। 2023 में उद्घाटन भारतीय ग्रैंड प्रीमियर किसने जीता? तो ये है मार्को बेजेची। 2023 में आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के लिए नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है संजीव मंत्री। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है सितंबर 25 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। वाराणसी। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है सितंबर 22 को। विश्व की सबसे बड़ी फूल प्रजाति का क्या नाम है जो मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश के कारण विलुप्त होने का सामना कर रही है? तो यह है राफ्लेसिया। राफ्लेसिया जीनस मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश के कारण विलुप्त होने के करीब है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह है दिल्ली। किस संगठन ने स्वदेशी ध्रुवास्त्रण मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है? तो ये है इंडियन डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू स्तर पर विकसित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने सितंबर 2023 में MSME के लिए NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट सेक्शन था। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए।